पोहा बनाने के लिए आज हम इतनी जबरदस्त मशीन लेकर आए हैं जो कि बस कुछ ही मिनटों में कई क्विंटल पोहा बनाकर रेडी कर देती है। इसे तैयार करने के लिए मेनली चार मशीनें यूज में आती हैं, जिसमें कि सबसे पहले है यह पैडी क्लीनिंग मशीन, रोस्टर मशीन, उसके बाद यूज में आती है यह चूड़ा मशीन, और इस फ्लेकर मशीन के द्वारा एकदम सॉफ्ट पेपर पोहा रेडी हो जाता है। पोहा एक तरह का ब्रेकफास्ट मील है जो कि बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होता है। शुरुआती यह इंदौर और उज्जैन में बहुत चलता था, लेकिन आज की डेट में यह ऑल ओवर इंडिया, चाहे बात की जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह हर जगह एक तरह का ब्रेकफास्ट मील बन चुका है। इसका रीजन भी है, आप जानते हैं कि पोहा पैडी से बनता है और पैडी एक तरह का प्रोटीन और स्टार्च का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए पोहा खाना हर कोई पसंद करता है। हो सकता है कि आप आज सुबह ही पोहा खाकर इस वीडियो को देख रहे हों। इस पोहा को बनाने के लिए सबसे पहले इस क्लीनिंग मशीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि खेतों से जो धान आती है वो एकदम प्रॉपर क्लीन नहीं होती है, तो इसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग करने के लिए यह पैडी क्लीनिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसके ऊपर एक हॉपर लगा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ पैडी डाल देना है। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए कि एकदम साफ धान बाहर निकल रही है। इसमें जो भी मिट्टी या फिर लकड़ी वगैरह थी वो एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाती है। वैसे यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप इस काम को मैन पावर के थ्रू भी करवा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर इन मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यह जो धान निकल रही है इसे ओवरनाइट पानी में भिगोकर 8 से 10 घंटे के लिए रखते हैं, जिससे कि यह बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए और इसका जो भी हस्क है, छिलका है, वह एकदम फूल आए। अब जब यह अच्छी तरीके से फूल जाता है तो इसे इस रोस्टर मशीन में डालकर 180 से 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने से धान में जो भी छिलका होता है, जिसे हम हस्क बोलते हैं, वो एकदम अच्छी तरीके से लूज हो जाता है। यदि हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो पोहे के साथ धान का छिलका भी बाहर आएगा, इसलिए एकदम प्रॉपर रोस्टिंग, प्रॉपर हीटिंग और प्रॉपर टाइमिंग, यह तीनों चीज़ें एक रोस्टर के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ देखिए, इस साइड से एकदम गले हुए धान को इस रोस्टर मशीन में डाल देंगे। रोस्टिंग करने के लिए इन रोस्टर को स्पेशली डिजाइन किया जाता है, जिससे कि धान को एकदम प्रॉपर हीट होने के लिए फुल टाइम मिले। इसके दूसरे साइड से जो धान निकल रही है उसमें छिलका एकदम से सूख चुका है और इसके अंदर जो चावल है वह छिलके से भी अलग हो गया है। वैसे एक चीज़ बता दूं कि पोहा बनाने के लिए थोड़े मोटे किस्म के धान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर जगह आसानी से मिल जाती है। यदि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो कोल्हापुर बारामती से ले सकते हैं, कर्नाटक में बेलगांव से, यदि आप एमपी में हैं तो बालाघाट से, और यूपी में इलाहाबाद से मिल जाएगा। इनका रेट भी लगभग 16 से 18 रुपये होता है, लेकिन आप तक पहुँचने में ट्रांसपोर्ट चार्ज मिलाकर यह लगभग 20 रुपये तक पड़ जाएगा। अब यह जो रोस्टर धान निकल रही है इसे हम कलेक्ट करेंगे और इस चूरा मशीन में डाल देंगे। इसमें दो व्हील लगे हुए हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसमें जैसे ही हम रोस्टर धान को डालते हैं तो इसके प्रेशर के कारण छिलका तो निकल ही जाता है, साथ ही में प्रेस करने से हल्का पतला हो जाता है। इसमें रोस्टर धान को डालते जाना है और यह जो व्हील लगे हुए हैं वह इसको प्रेस करके छिलका निकाल कर चूरा बना देते हैं। यह जो चूरा तैयार हो रहा है इसे हाथों से निकालते जाना है। वैसे इस चूड़ा को आप चाहें तो पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मांग बहुत है, लेकिन अपने एमपी और साउथ साइड अधिकतर पेपर पोहा की मांग करते हैं, जो कि एकदम से पतला हो। तो पेपर पोहा बनाने के लिए इस फ्लेकर मशीन का यूज़ करते हैं। इसमें दो रोलर या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं कि व्हील लगे हुए हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसमें प्रेशर और डिस्टेंस सेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पतला और चौड़ा पोहा बनाना चाहते हैं। और चूरा जैसे ही इन रोलर के बीच से गुजरता है तो प्रेशर के कारण बिल्कुल पेपर की तरह पतला हो जाता है, और यहाँ देखिए कि एकदम पतला पोहा निकल रहा है। आखिर इस चूरा और पेपर पोहा में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, चूरा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वहीं पेपर पोहा बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि चूरा टूटकर बिखर जाता है, लेकिन पेपर पोहा टूटता भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, इसलिए हर जगह पेपर पोहा की डिमांड बहुत है। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक पोहा फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, लेकिन इस बिजनेस में आखिर प्रॉफिट कितना है?
तो पोहा बनाने के लिए जिस मोटे धान की जरूरत पड़ती है उसका फैक्ट्री में रेट लगभग 16 से 18 रुपए होता है, जिसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलाकर यह लगभग 20 रुपए का हो जाएगा। यदि हम एक कुंटल धान का यूज़ करके पोहा बनाते हैं तो लगभग 65 किलोग्राम पोहा ही तैयार होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक किलोग्राम पोहा बनाने के लिए लगभग 1 किलो 300 ग्राम धान की ज़रूरत पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि धान की मॉइस्चर और छिलका वगैरह निकल जाता है, तो एक किलोग्राम पोहा बनाने में लगभग 24 रुपए की धान की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही में 1 से 1.25 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, 1 से 1.5 रुपए की फ्यूल और मेन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी चीज़ें मिलाकर एक किलोग्राम पोहा लगभग 29 से 30 रुपए में रेडी हो जाएगा। अब आप इसे चाहें तो 34 से 35 रुपए के रेट से 500 किलोग्राम के पैकेट में बेच सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 किलोग्राम का पैकेट बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें सीधे डबल रेट में बेचेंगे, तो लगभग 40 से 50% प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। वैसे बेनिफिट तो काफ़ी अच्छा है, पोहा खाना हर कोई पसंद करता है, इसलिए भारत के हर एक घर में ब्रेकफास्ट के टाइम पोहा बनाया जाता है। यदि आप इन मशीन्स का रेट वगैरह जानना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल करके रेट वगैरह जान सकते हैं। इन मशीनों को यूज़ करके पोहा तैयार करने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप भी चाहें तो अपना एक पोहा फैक्ट्री या फिर पोहा प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी मशीनों में से सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी? ऐसी ही और इंजीनियस मशीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में चाय, पिज्ज़ा, डोसा, मोमोज, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, जलेबी और यहाँ तक कि कुकिंग करने के लिए भी फुल ऑटोमेटिक मशीन अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इन सभी मशीन्स को देखिए, क्योंकि यह मशीन्स घंटों के काम को मिनटों में करके आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ देती हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार मशीन वीडियो में।